आदाब नाजरीन, मैं इस्माइल तैयब आप सभी हजरात का हैदराबाद 24x7 न्यूज़ में खैर मकदम करता हूँ। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी न्यूज़ जल्द से जल्द पहुँच सके। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के आला कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए हफ्ते को हैदराबाद पहुंचे। सभी कांग्रेस लीडर एक साथ हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से ताज कृष्णा होटल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग में शामिल हुए। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कांग्रेस सीनियर लीडर, उनकी आमद पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस तेलंगाना इंचार्ज मनिक राव ठाकरे और साथ ही तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी भी लीडर्स को वेलकम किया और इतवार की शाम शहर हैदराबाद के बाहर तूपगुड़े में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग मुनक़द की गई जहां कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर शामिल रहेंगे। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर ने नगर कर्नूल जिला के कोल्हापुर मंडल के नरलापुर में पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के तमाम मिनिस्टर, एमएलए और एमएलसी शामिल थे। एआईएमआईएम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग पर सवाल किया, जिस पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि कोई भी सियासी पार्टी जो चाहे कर सकती है। केसीआर 9.5 साल से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है। तेलंगाना में इन 9.5 साल में कोई भी फिरके वाराना फसाद नहीं हुए हैं। यानी वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना काम कर सकती है, पर जहां तक तेलंगाना की बात है, तेलंगाना में पिछले 9.5 साल से केसीआर मुख्यमंत्री हैं और 9.5 साल से तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। 9.5 साल से तेलंगाना में प्रोग्रेस हुआ है और इसका नतीजा ये है कि यहाँ पर हाईएस्ट जीडीपी जो है देश में कहीं है तो तेलंगाना में है। वो तेलंगाना जहाँ पर कम्युनल राइट्स होते थे आज वो नहीं हो रहे हैं। वो तेलंगाना जहाँ पर 4-4 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग होती थी वो नहीं है। वो तेलंगाना के ताल्लुक से लोग कहते थे कि यहाँ पर किसान को पानी नहीं मिलेगा, तो इन्होंने बड़े इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स पानी लेकर आए। आज सीएम पालमेरू प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। महबूब नगर रंगारेड्डी में जो लोग किसान तड़प रहे थे, माइग्रेशन होता, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर हाईएस्ट सोशल वेलफेयर का बजट अगर कहीं पर है किसी देश में, इस प्रदेश में, तो तेलंगाना में है। तो ये सब चीज़ें हैं अब जो ऑलरेडी दिया जा रहा है, लोग देख रहे हैं उसको। और जो मुसलमानों से बड़ा मोहब्बत के दावे करते हैं, जो कांग्रेस की सरकारें जहां पर हैं, आप एक जगह बता दीजिए हमको जहां पर 80,000 मुस्लिम बच्चे बच्चियां 6 क्लास से 12 क्लास तक फ्री में पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल में अलग अलग, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग, बेहतरीन तालीम का इंतजाम, स्टैंडर्ड बेहतरीन एजुकेशन, और वहां से 12th कंप्लीट करके एनडीए में जाते हैं लड़के, जेई क्वालिफाई करते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं, हाँ आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम्स कामयाब हासिल करते हैं। आप बताइए, 2200 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज का बजट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और काम होना चाहिए, मैं मानता हूँ हमारी शिकायत के सियासत से और करिए, ये आप काम नहीं कर रहे हैं बराबर, मगर ये भी तो आप बताइए आपके रूल स्टेट्स में क्या हो रहा है। आप बताइए, आप भी तो सरकार में है ना, क्या कर रहे हैं आप लोग। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंचे हैदराबाद। तेलंगाना बीजेपी पार्टी की तरफ से होने वाली पब्लिक मीटिंग तेलंगाना लिबरेशन डे में होंगे अमित शाह शामिल। शमशाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर 5 कमसिन लड़कों को कुत्तों ने काट लिया। मुकामी अफराद ने कहा कि महकमे बल्दिया की लापरवाही की वजह से हादसात हो रहे हैं। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी न्यूज़ जल्द से जल्द पहुंच सके।